हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप का पासवर्ड किस तरह से फॉरगॉट करते हैं, यानी कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आपसे मिस हो गया है तो उस पासवर्ड को किस तरह से रिकवर करना है, वो पासवर्ड आपको दूसरा किस तरह से प्राप्त करना है, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा है जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे डाल देना है स्कॉलरशिप यूपी। ठीक है, जैसे आप स्कॉलरशिप यूपी डालेंगे तो नीचे जो पेज मिलेगा scholarship.up.nic.in का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थ्री डॉट्स नज़र आएंगे राइट साइड में ऊपर, आपको यहाँ पे जाके इसे डेस्कटॉप साइट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जाना है स्टूडेंट वाले सेक्शन में और फिर करना है आपको लॉगिन पर क्लिक। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे छह ऑप्शन नज़र आएंगे, जो लेफ़्ट वाले हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए हैं और जो राइट वाले हैं वो रिन्यूअल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो मेरा फॉर्म फ्रेश है, मैं आपको फ्रेश फॉर्म का पासवर्ड फॉरगेट करके दिखा रहा हूँ, मोस्टली सभी के सेम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पेज पर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बेसिक्स डिटेल्स डालनी होंगी। ठीक है, लॉगिन करने के लिए अगर आपको जो पासवर्ड है वो फॉरगॉट करना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा फॉरगॉट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, आपको इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ से आपका अगर फॉर्म रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप फ्रेश पर क्लिक कर देना है। मेरा फ्रेश है तो मैं फ्रेश पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है जो 2019-20 की है, अगर रिन्यूअल है तो 2018-19 की भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डालनी है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपकी जन्म तिथि क्या है, यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद यहाँ पर डालना है बोर्ड, यानी कि टेंथ जो आपने की है वो किस बोर्ड से की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डालना है किस ईयर में अपने जो हाई स्कूल है वो आपने किस ईयर में पास किया है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर डाल देना है कि आपका हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दे रखा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद आपको कर देना है लॉग इन पर क्लिक। ठीक है, पासवर्ड पुनः प्राप्त करें पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पासवर्ड जो है, जो आपका नया पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ़ौरन आ चुका है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पे ऑनलाइन पुन पासवर्ड प्राप्त की स्लिप आ चुकी है, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, आपका पासवर्ड नंबर दे रखा है, और देखिए यहाँ पे डेट भी दे रखी है 27/9/2019 8:05 और 58 सेकेंड पर ये पासवर्ड हमने निकाला है। ठीक है, तो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए, या फिर आप यहाँ से PDF भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और एक पासवर्ड जो है इंपॉर्टेंट जगह और एक सेव जगह पर आप लिख लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके वहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बेसिकली सभी का सेम तरीका है पासवर्ड रिकवर करने का। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।